हेलो बच्चों वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन टू ट्वेंटी फाइव फ्रॉम चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन एम जैसे कि बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूसली कमेंट में बार बार पोस्ट कर रहे थे कि सर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के जो वीडियो सोल्यूशन हैं वो डाल दीजिए तो आज हम आपके लिए वही मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के सोल्यूशन लेकर आए उम्मीद है आप लोगों को सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन समझ में आएंगे फिर भी कोई डाउट हो कोई कंफ्यूजन रह जाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पर आकर आप अप, अपनी रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं और कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन विद क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है व्हेन आयरन स्प्रिंकल्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर दे अरेंज इन कंसेंट्रिक सर्कल देखिए ये क्वेश्चन भी कहां से उठाया गया है हमारे पास एनसीआर की लाइन से कहता है आयरन फिलिंग स्प्रिंकल्ड अराउंड द वायर

Okay? अब अगर हम इन लाइंस को देखें तो हमें क्या पता चलता है ये करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन सभी कंसेंट्रिक है बट नियर द वायर ये क्या है क्राउडेड है और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं यहां पर पहले इनके बीच में गैप कम है फिर इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है ओके okay? तो ये ये क्या कहता है? है। बिल्कुल सही मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म हैं, वो हमें क्या बताती हैं बेटा वो हमें बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस पैटर्न में होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी सर्कुलर होंगी ये भी करेक्ट है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर कंसंट्रेटेड नियर द सेंटर ये भी हमने देखा कि नियर सेंटर इनके बीच का गैप कम है तो इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के सभी क्या है? करेक्ट है। तो क्या करेक्ट तो आंसर आना चाहिए डी okay, बुक में हमारे पास कोई थेटिकल क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर हमें एनसीआरटी में जरूर मिलेगा तो क्या कह बाय फॉर्मूले

चल रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पहले हमने देखा करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तो नियर बाय टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ये वही बात बन गई तो क्या होना चाहिए बेटा यहां पर नोटिसबल डिफ्लेक्शन इनपस नीडल बिल्कुल सही अगर कोई स्ट्रेट वायर है तो उसकी सराउंडिंग में अगर मैं स्टेट वायर को ऐसे ड्रॉ कर लूं तो उसकी सराउंडिंग में जो है हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में ओहो, ये कभी हो सॉफ्टवेयर जो है बिल्कुल अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता है जो कंसेंट्रिक सर्कल है उसकी फॉर्म में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है बेटा ओके उसकी क्या आ जाता है कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ऐसे तो इसकी सराउंडिंग में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जो कंपस्ट नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी द अलाइनमेंट ऑफ नीडल इज द टेंजेंशियल टू एन इमेजिनरी सर्कल विद द स्ट्रेट वायर एस सेंटर अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अगर मैं इसको इस प्लेन में बना लूं ये बीच में वायर है जैसे ऊपर हमने फिगर देखी थी बेटा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा डेफिनेशन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की द इमेजिनरी लाइन टेंजेंट टू विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी टेंजेंट टू सर्कल तो अगर मैं कोई यहां पर रखूंगा तो वो किस तरीके से अरेंज करेगी बेटा वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेन्ज करेगी तो वही ये कहा गया है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है परपेंडिकुल सॉरी जेंट टू सर्कल तो क्या है टेंजेंशियली टू एन इमेजिनरी सर्कल विद्रेट वायर एट इट्स सेंटर है इसका प्लेन वायर के परपेंडिकुलर है और जो निडल है वो इस सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में अलाइन करेगी तो दोनों ही पॉइंट क्या है करेक्ट है तो क्या आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन ओके बच्चो फिर कहता है फोर्थ विच वन ऑफ द फॉलो फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट हमें रॉन्ग बताना है बेटा ये जो नीट के एग्जाम होते हैं जो कोई जेई के एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम उनमें आपको इस नॉट का बड़ा ध्यान रखना होता है कभी ये लिख देता है इनकरेक्ट नॉट करेक्ट करेक्ट तो उसका ध्यान रखना होता है बेटा अदरवाइज बच्चे जल्दबाजी में आंसर मार्क कर देते हैं और फिर नंबर कट जाते हैं और कभी कभार तो एक क्वेश्चन गलत मार्क करने से यानी कि पांच नंबर से आपकी सिलेक्शन रुक जाती है कभी कभार क्या बहुत सारे बच्चों की रुकती है जो लास्ट के एक दो नंबर कट ऑफ से जस्ट नीचे रह जाते हैं तो एक क्वेश्चन का ही तो मार्जिन होता है वहां पर तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है तो यहां पर क्या होगा बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सही इसे हमने लॉरेंस फोर्स भी कहा था फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होती है क्यू इन टू ई मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू वी क्रॉस बी ये आर क्या है ये यह यहां पर लगा हुआ ना देखो ये आर क्या रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट में कि उस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज की पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है चार्ज इनटू फील्ड मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है मूविंग चार्ज के ऊपर क्यू वी क्रॉस बी जब हम दोनों दोनों फील्ड लग रहे होंगे तो इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो ये नेट फोर्स बन जाती है बेटा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यस बेटा जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किस पे डिपेंड करती है चार्ज पे अगर चार्ज पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा तो वेक्टर अपनी डायरेक्शन बदल लेगा तो दोनों पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे मान लूं कि पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग रही है मैग्नेटिक तो नेगेटिव चार्ज पे किधर लगेगी बेटा हमारे पास नीचे की तरफ ये फोर्स लगेगी क्लियर बात ओके okay. फिर अगर हम देखें द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल बिल्कुल सही ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है वी क्रॉस बी अगर हमारे पास इफ वी बिकम्स पैरेलल टू बी तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि

तो हमारे पास आंसर क्या होगा डी ऑप्शन ओके okay, बेटा उम्मीदा आपको जो है क्वेश्चन के सोल्यूशन समझ में आ रहे होंगे बट फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है कोई बात हमारी अधूरी समझ में आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ओके okay, बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है हमारे पास इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है जिस जो जा तो रेस्ट पे हो जिस या फिर जिसकी वेलोसिटी सेम कांस्टेंट हो ओके द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज एफ इट्स वैल्यू इन अनदर इनर्शियल फ्रेम ये दूसरा भी क्या है इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम मतलब जिसकी वेलोसिटी क्या हो आइदर जीरो और सम कांस्टेंट वैल्यू नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू उन दोनों को ही इनर्शियल फ्रेम कहते हैं इट्स वैल्यू इन अनदर इनर्शियल फ्रेम क्या हो सकती है जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी बेटा बात समझ रहे हैं? अब अगर मान लो एक चार्ज रेस्ट पे है मैंने रेस्ट पे मान लिया एक फ्रेम इधर जा रहा है एक फ्रेम एक फ्रेम वन ये वी वन से जा रहा है तो इसके कोरोस्पॉन्डिंगली फोर्स क्या हो जाएगी क्यू चार्ज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा फ्रेम के रिस्पेक्ट में माइनस वी वन बी वहीं अगर मैं एक दूसरा फ्रेम देखूं जो वी टू से जा रहा हो अब दोनों की वेलोसिटी क्या है सेम तो दोनों नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो क्या हो जाएगा क्यू माइनस वी टू बी तो फोर्स में भी डिफरेंट बेटा तो कहते हैं रिमेन सेम हो भी सकती है अगर वेलोसिटी सेम हो चेंज ड्यू टू चेंज इन अमाउंट ऑफ चार्ज नो

सी ऑप्शन में क्या है चेंज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी कि अगर चेंज इन वेलोसिटी हो गई तो चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ओके okay? तो उम्मीद है आपने बेटा वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा अगर नहीं किया है अभी तक तो फटाफट कर दीजिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय अगर आप ध्यान से देखें ये तो फॉर्मूला पूछ लिया गया, गया है बेटा फोर्स क्या होती है आई एल क्रॉस बी बट मैं आपको बता दूं ये किसके लिए होती है जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो यूनिफॉर्म यहां पर इन्होंने एक वर्ड मिस कर दिया है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई कंडक्टर रखते हैं तो ये होता है और कंडक्टर भी क्या होता है स्ट्रेट हो जब अगर हमारे पास कंडक्टर नॉन स्ट्रेट हो तो हमें एल इफेक्टिव यूज करना पड़ता है और अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो हमें डीएल क्रॉस बी करके फिर इंटीग्रेशन लगानी पड़ती है तो अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास सी ऑप्शन बनती है क्योंकि वैसी कोई ऑप्शन है नहीं तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत हमें नहीं पड़ी इस क्वेश्चन को देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है स्ट्रेट वायर करंट देश कोई एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास हमें गिवन है जिसकी लेंथ हमें गिवन है और कैरीज करंट फाइव एम्पीयर इफ द वायर इज सस्पेंडेड इन मिड एयर वायर हवा में लटक रही है यानी कि अगर हवा में लटक रही है जो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा था उसे कोई तो बैलेंस करेगा मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ने इसे लटकाया गया है यानी कि डेफिनेटली मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगी ऊपर अब ये क्वेश्चन भी क्या है इनकम्प्लीट है अब मैग्नेटिक फोर्स किसी एंगल पे भी लग सकती थी उसका एक कंपोनेंट इधर हो सकता था बट अगर आप ध्यान से देखें जो मैग्नेटिक फोर्स होती है समझने की कोशिश करिए बेटा एल क्रॉस बी होती है तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लेंथ के तो परपेंडिकुलर होगी क्योंकि एल क्रॉस बी है तो लेंथ ये है तो लगनी तो इसके परुलर थी इधर भी लग सकती थी इधर भी लग सकती थी इधर भी बट क्योंकि इसने अब जो मैंने इधर किया था कई बार बच्चे ऐसे समझ लेते कि ऐसे होगा मैं ये कहना चाह रहा था कि एक कंपोनेंट इधर हो एक इधर हो बट अगर इधर कोई कंपोनेंट आ गया तो यह सस्पेंडेड नहीं रहेगी इक्विलिब्रियम में क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए इधर कोई फोर्स नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमारी मजबूरी है कि हमें मैग्नेटिक फोर्स इधर ही लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर कोई और कंपोनेंट इसका होगा तो ये सस्पेंडेड नहीं रह सकती तो इसीलिए हमने मैग्नेटिक फोर्स को क्या ले लिया बेटा ऊपर की तरफ ले लिया है ओके okay? बट इसने कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड या करंट की डायरेक्शन नहीं दी है तो हमें ये अपनी तरफ से ज्यूम करना पड़ा क्योंकि रिमेन सस्पेंडेड का है सस्पेंडेड कब रह सकती है बेटा जब वेट को कोई फोर्स बैलेंस करे और उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे एफ तो एम किसके बराबर आएगा एम जी तो एफ एम क्या आ जाएगा बेटा मैं फिर से बात क्लियर कर कर दूं यहां पर हमने क्यों पुट लिया डायरेक्टली क्योंकि अगर किसी और डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट होगा तो फिर ये सस्पेंडेड नहीं रह पाएगी तो अब हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है आई कितना है बच्चों फाइव लेंथ कितनी है वन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है मास वन पॉइंट टू जी को टेन ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली तो बी हमारे पास हो जाएगा टू पॉइंट टेस्ला के आसपास हो जाएगा और वही देखिए ऑप्शन में दिख रहा है इससे कोई छोटी वैल्यू तो नहीं दिख रही हमारा फर्ज बनता है ये ये चेक करना कि 2.4 है क्या मुझे 2.3 तो नहीं दिख रहा कहीं कोई दिख तो नहीं रहा 2.3 नहीं है ना तो हम इसको मार्क कर लेंगे सर क्यों 2.3 क्योंकि अगर मैं जी को 9.8 पॉइंट लूंगा तो ये वैल्यू बदल जाएगी बेटा अगर आप जी को यहां पर नाइन ले लें तो हमारे पास ये वैल्यू थोड़ी सी बदल जाएगी और कई बार पेपर में ऐसा धोखा मिल जाता है अगर आप जी जी को 9.8 लेंगे तो ये 2.352 आएगी कभी कभार पेपर में ऐसा धोखा मिल जाता है कि 2.4 भी है और 2.35 भी ऑप्शन में लिखा है तो वो आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पर जी मेंशन नहीं किया गया मैं आपको ये छोटी मोटी बातें इसलिए बताता हूं बेटा क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी ट्रिक्स हो जाती हैं और बच्चा गलती कर जाता है जी की वैल्यू टेन हम अज्यूम करते हैं बट होती कितनी है नाइन पॉइंट एट जब तक क्वेश्चन में जी इक्वल टू टेन ना दिया जाए वो इसको इनकरेक्ट मार्क कर सकते हैं अगर नाइन पॉइंट एट के साथ अवेलेबल हो कोई और आंसर समझ रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है बच्चों यहां पर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैरीज करंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मैग्नेटिक्ड बी द लूप यह भी हमारे पास एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन है क्या कहते हैं एक सर्कुलर लूप ऐसे रखा गया है और इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा इसका रिजल्ट आपने क्लास में लिखा होगा कि व्हेन एवर अ क्लोज्ड लूप क्लोज लूप प्लेस्ड इन अूनिफॉर्म मग्नेटिक फील्ड वर्ड यूनिफॉर्म इज अंपॉर्टेंट तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होती है जीरो होती है तो फोर्स ऑन द लूप क्या होगी जीरो क्यों अगर आप इसमें करंट मान लें किसी भी डायरेक्शन में मान लो मैंने करंट ऐसे लेट कर लिया अज्यूम अब अगर आप एल क्रॉस बी लगाएंगे एल क्रॉस बी एल इस तरफ हो गया बी अंदर है तो एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ आएगी तो इस एलिमेंट पे फोर्स इस एलिमेंट पे फोर्स इधर आएगी इस एलिमेंट पे चेक करोगे इधर आएगी इस एलिमेंट पे चेक करोगे इधर आएगी इस एलिमेंट पे चेक करोगे तो किधर आएगी बेटा इस तरफ तो अगर सभी एलिमेंट पे ऐसे आप चेक करोगे तो ये फोर्सेस इस तरीके से आएंगी ये इसको कैंसिल करेगी ये इसको ये इसको कैंसिल करेगी और ये वाली इसको कैंसिल करेगी इसलिए वेक्टर सम ऑफ नेट फोर्स क्या हो जाता है जीरो कौन सा सम जीरो हो जाता है बेटा वेक्टर्स क्योंकि फोर्सेस आर ऑपोजिट तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जीरो बट इसके साथ ही ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है बेटा यहां पर ध्यान देंगे ये हमने एक एक्स्ट्रा बात यहां पर डिस्कशन करी है क्या करे द लूप टेंडेंसी टू लूप हैज टेंडेंसी टू एक्सपेंड टेंडेंसी टू एक्सपेंड क्योंकि अब सभी फोर्सेस इसको ऐसे खींच रही हैं तो लूप के पास टेंडेंसी है एक्सपेंड होने की इसी के ऊपर आया है कल जो जेई मेन का एग्जाम हुआ था सत्ताईस जनवरी दो हजार चौबीस ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ जैन टू ट्वेंटी फोर को शिफ्ट फर्स्ट में उसमें इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था कि इसमें टेंशन कितनी होगी इट वो बस चार्ज का था इलेक्ट्रोस्टेटिक का बट यही क्वेश्चन आपके पास अगर इसके पास लूप है टू तो इसमें क्या जनरेट होती है बेटा टेंशन होती है ये आपको चार से पांच चैप्टर में दिखाई देता है सर्कुलर मोशन में अगर लूप घूम रहा हो प्लूड मैकेनिक्स में अगर एक थ्रेड को हम एक सोप फिल्म के ऊपर डाल देते हैं ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक में ग्रेविटेशन में मैग्नेटिक फील्ड में वेव्स में चार पांच चैप्टर में ये यूज होता है तो टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई हुई है यह क्या होता है बेटा स्केलर सम ऑफ रेडियल फोर्स डिवाइड बाय टू पाई इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है स्केलर सम ऑफ रेडियल फोर्स डिवाइड बाय टू पाई वो शॉर्ट ट्रिक आप देख सकते हैं हमने ये डाली हुई है बेटा जो हमारी वीडियो वन है शॉर्ट ट्रिक सीरीज की उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें मैंने वो चार पांच केस सभी केस यहां पर आपको दिखाए गए हैं एक ही वीडियो में तो आप इसको देख सकते हैं इसका लिंक ऊपर फ्लैश भी हो रहा होगा उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट इस वीडियो पे जा सकते हैं अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक सीरीज में आप वीडियो वन खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये क्या कहने की कोशिश मैं यहां पर कर रहा हूं ट्वेंटी सेवेंथ जनवरी को जेई मेन के फर्स्ट शिफ्ट में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अवेलेबल था ओके बेटा और वो केस हमने यहां इस शॉर्ट ट्रिक में भी लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है बेटा ये अ 2.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म होरिजोनटल मैग्नेटिक फील्ड बी ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया करंट इज पासिंग थ्रू द वायर देन द मैग्नेटिक फील्ड वही कहा गया एक स्ट्रेट वायर को हमने मिड एयर में सस्पेंड किया है यानी कि इसका वेट कौन बैलेंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स यानी कि BIL बिल इज इक्वल टू NG वैसे तो बिल सब कुछ डिस्टर्ब करता है बट यहां जो ये बिल है ये चीजों को बैलेंस करने के काम आ रहा है ओके बेटा चलिए देखते हैं तो क्या है बेटा ये हमारे पास आई करंट कितना है करंट है हमारे पास फोर एम्पियर फोर एम्पियर लेंथ कितनी है हमारे पास बेटा टू पॉइंट फाइव मास कितना है जीरो पॉइंट फाइव ये ग्राम में है इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे के में जी को कितना मान लिया यहां देखिए जी दे दिया अब कोई टेंशन नहीं है तो ये कितना हो गया टेन और ये कितना हो गया फाइव तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया फाइव बाई टेन यानी कि जीरो पॉइंट फाइव टेस्ला तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है बेटा ये अ करंट ऑफ टेन इम्पियर इज फ्लोइंग इन अ वायर ऑफ लेंथ दिस अ फोर्स एक्ट ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा ओके ऑफ टू टेस्ला द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन अब सीधा सीधा एंगल की बात कर ली तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा आई एल बी थीटा मैग्नीट्यूड वेक्टर क्या होता है बच्चों आई एल क्रॉस बी तो यहां पर क्या हो जाएगा एल बी थीटा क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं फोर्स कितनी है फिफ्टीन न्यूटन करंट कितना है टेन एम्पियर लेंथ कितनी है 1.5 मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2 टेस्ला साइन थीटा निकालना बड़ी आसानी से आप ये कर सकते हैं बेटा ये हो गया हमारे पास 15 और यह हो गया 30 वन बाई टू थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री और पाई बाय सिक्स रेडियन हमारे पास ऑप्शन में क्या है डिग्री में तो हम 30 डिग्री से मार्क कर देंगे बेटा उम्मीद आपको यह समझ में आए होंगे बेटा सभी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन हमें क्या कह रहा है बेटा ध्यान से देखिए द होरिजोनटल कॉम्पोनेट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अब वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये टॉपिक जो है अब जो 2024 के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस में हट गया है ठीक है नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड क्या होगा वो नेक्स्ट ईयर पता चलेगा अभी के लिए हट गया है बट ये क्वेश्चन हमें फिर भी करना है क्यों क्योंकि इसमें हमें यह नहीं कहा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमें उसका डिप बाकी चीजें यूज करके फाइन नहीं करना सिंपल एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया है और वो भी विद डिटेल तो हमारे पास यहां अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लिखे होने से सिर्फ यह क्वेश्चन आउट नहीं होता ये यहां पर अगर मैं काट दू इस वर्ड को काट दीजिए इस वर्ड को काट दीजिए कंपोनेंट ऑफ अर्थ तो हम इसको कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एट सर्टेन प्लेस तब भी हमारे पास क्वेश्चन हमें ज्योग्राफिकल साउथ टू नॉर्थ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की यह डायरेक्शन ये साउथ होता है और ये नॉर्थ फोर्स पर निकालनी है ऑन वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कैरी स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट ईस्ट टू वेस्ट करंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बेटा तो इन दोनों में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है आई एल बी साइन थीटा थीटा होता है एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस इज 90 डिग्री बेटा तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी थी क्योंकि कंडक्टर की लेंथ क्या थी बेटा लॉन्ग थी तो वो लॉन्ग लेंथ डिफाइन नहीं कर सकते तो करंट क्या हो जाएगा करंट कितना दिया है वन पॉइंट टू एमपीयर मैग्नेटिक फील्ड इज थ्री इंटू टेन डेज टू पर माइनस फाइव साइन नाइन वन होता है तो ये कितना हो गया बच्चों थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन डेज टू पर माइनस फाइव न्यूटन पर मीटर तो हमारे पास आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन गेटिंग माई पॉइंट क्लियर है बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा और जो जो चैनल है इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर इसे आप अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए जो स्पेशली एम टी जी फिंगर टिप बुक सॉल्व करते हैं या फिर जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक और वन शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर कैरिंग करंट ऑफ टेन एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जीरो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट करनी है डायरेक्शन सिंपल an फिर से वही एफ आई एल बी साइन थी एफ बाई एल किसके बराबर होगा करंट कितना था टेन एमपियर मैग्नेटिक फील्ड जीरो पॉइंट टू जीरो साइन फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव होता है वन बाय रूट टू तो टू बाय टू हो गया बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ जाएगा तो टू बाई रूट टू टू बाई रूट टू पर छोड़ दिया देखिए टू बाय रूट टू पे ही छोड़ दिया गया है वाओ रूट टू लिखने की मेहनत ही नहीं करी है एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन सेटर है तो आपको भी यहीं पे छोड़ देना है अदरवाइज ये क्या हो सकता है रूट टू न्यूटन पर मीटर इसको वो 1.4 भी लिख सकता था बेटा ओके क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा ध्यान से देखेंगे यहां पर ये यह कह रहा है अ सर्कुलर क्वाइल ऑफ 20 टर्न्स एंड 10 सेंटीमीटर रेडियस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ क्वाइल इफ द करंट इन द क्वाइल इज दिस क्रोसेक्शनल एरिया इज दिस ध्यान से देखिए वट डू यू मीन बाय क्रोसेक्शनल एरिया हेयर यहां पर अगर मैं इसको है ऐसे थोड़ा सा ज्यादा दिखा लेते हैं ताकि आप देख पाए इसको ऐसे कर लेते हैं। ये एक सर्कुलर क्वाइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्नस कितनी है बेटा नंबर ऑफ टर्नस है ट्वेंटी रेडियस ऑफ क्वाइल कितना है बच्चों रेडियस ऑफ क्वाइल रेडियस ऑफ क्वाइल का मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमें यहां पर दिख गया बेटा नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ क्वाइल फील्ड इज नॉर्मल टू प्लेन ऑफ क्वाइल इफ द करंट इन द क्वाइल इज फाइव एम्पियर मान लेते हैं मैं करंट इधर मान लेता हूं फाइव एम्पियर करंट दिया है हमें ओके क्रोसेक्शनल एरिया क्रोसेक्शनल एरिया का मतलब क्या है बेटा दिस एरिया वायर का ये वाला जो एरिया होता है बच्चों इसे कहा जाता है क्रोसेक्शनल एरिया मुझे नहीं पता इसका यहां पर क्या यूज है बट जो दिया है डाटा वो मैं आपको बता रहा हूं एंड क्वाइल इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यहां पर आ गई है तो लगता है कुछ खतरनाक होने वाला है द एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द क्वायल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ओ माई गॉड एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स क्या होगी तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर मुझे फोर्स देखनी है तो क्यू वी क्रॉस बी बेटा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास क्वाइल के अंदर ही जाएंगे अगर हमारे पास करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो इधर होगी बेटा ओपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट करंट की डायरेक्शन ये थी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ओपोजिट होगी तो कोई बात नहीं बट मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी में एंगल कितना है 90 डिग्री वेलोसिटी और इसमें एंगल कितना है बच्चों तो अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूंगा तो चार्ज आ जाएगा वेलोसिटी e, कौन सी लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों में एंगल कितना है साइन 90 मैं यहां पर मैग्नीट्यूड देख रहा हूं क्योंकि यहां कोई डायरेक्शन की बात नहीं की गई है और ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर एट देखा बेटा जिसमें इसके ऊपर हमने फोर्स देखी थी फोर्स जीरो थी बट साथ में मैंने वहां पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है कि इस रिंग में टेंशन कैसे फाइंड करती हैं, करते हैं अगर आपने क्वेश्चन नंबर एट क्या स्किप किया है तो आप उसको जाकर जरूर देखें उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात की है जेई मेन में जो दो हजार जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी वो क्वेश्चन पूछा गया है ओके okay? बस वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर बेस था यहां पर हमने मैग्नेटिज्म में टेंशन इन रिंग के बारे में बात करी है तो यहां अगर आप देखते हैं तो यहां क्या होगा बच्चों अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो वैल्यू पुट करेंगे में निकालना है ई वी डी कहां से आएगा वी नो द फॉर्मूला एन ई डी तो वी डी किसके बराबर आएगा आई एन ई ए बी साइन नाइनटी की वैल्यू हमने क्या कर दी वन ई e से ई कैंसिल हो जाए इसी वजह से वो एरिया दिया गया था बेटा करंट कितना है ये एरिया क्या होता है ये होता है एरिया ऑफ क्रोसेक्शन ऑफ वायर जिस वायर में चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं ये एरिया क्यों दिया गया है क्वेश्चन में क्योंकि इसका यूज होगा ये एरिया वही है जिस वायर में इसलिए ये रेडियस ये डाटा देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी कि आप एरिया ये वाली वायर क्वाइल का लेते हैं एरिया ऑफ क्रोसेक्शन यही ये एग्जामिनर चेक करना चाह रहा था जब किसी कंडक्टर में जब किसी कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं बेटा तो जो करंट होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी ये जो एरिया होता है ये एरिया ऑफ क्रोसेक्शन ऑफ वायर होता है तो उसी के लिए वो डाटा गिवन है तो यूज होगा बेटा करंट कितना दिया है हमें करंट दिया था ना क्वेश्चन में ये रहा फाइव एम्पियर नंबर डेंसिटी भी दी है ये एन क्या होता था इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर परिवर्न टू है फिर एरिया ऑफ क्रोसेक्शन टेन टू पार माइनस फाइव मैग्नेटिक फील्ड जीरो पॉइंट वन अगर आप देखें तो ये पॉइंट फाइव इन टू टेन डेज टू पार माइनस ट्वेंटी फोर क्योंकि ये कितना बच गया ट्वेंटी फोर ऊपर जाके माइनस ट्वेंटी फोर अब अगर आप देखें तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं फाइव इंटू टेन ये क्या बन जाएगा बेटा फाइव इंटू टेन लेस टू पर माइनस ट्वेंटी मैंने कहा है आपको काफी बार कि जब कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो तो ऑप्शन बहुत पास में होती है देखिए माइनस ट्वेंटी फाइव है थ्री फाइव फोर टू पॉइंट फाइव तो तब ऑप्शन हमारे पास होंगी जब हमारे पास कैलकुलेशन आसान होंगी जब हमारे पास डेसिमल में आती हैं तो ऑप्शन दूर दूर हो जाती हैं यानी कि वो पावर को ही सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाता है ऐसा हमने काफी सारे क्वेश्चंस में आपको करके दिखाया यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में बेटा क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा हम यहां पर स्मॉल कर देते हैं सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ी जगह बन सके ओके okay? तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं ओके क्लियर क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर क्या कह रहा है अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉइल ए बी सी डी इज हंग फ्रॉम वन साइड ऑफ अ बैलेंस एज शोन इन द फिगर 500 ग्राम मास इज एडेड टू द अदर आर्म टू बैलेंस द वेट ऑफ द कॉइल कॉइल का वेट और ये दोनों बैलेंस हो गए बेटा दूसरी साइड जो हमने 0.5 केजी जी रखा है इससे बैलेंस हो गया करंट ऑफ नाइन पॉइंट एट इज पास थ्रू द्वाइल एंडस्टेंट मैग्नेटिकील इनवर्ट एक्स प्लेन इज स्विच डॉन्ट सच दैट ओनली आम सी डी ऑफ लेंथ लाइज इन दील्ड से देखिए बेटा इसमें ऐसे करंट पास करा रहे हम इस वायर में ऐसे करंट पास करा रहे हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है तो आई यानी कि एल क्रॉस बी क्या होगा एल अंदर की तरफ बी है तो एल क्रॉस बी करेंगे तो एक मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ इस वायर पे लगेगी अब कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स लगेगी द एडिशनल मास मस्ट बी एडेड टू रिगेन द बैलेंस। अगर हमें इस फोर्स को बैलेंस करना है तो हमें यहां एक एडिशनल मास लगाना पड़ेगा यानी कि अब इधर क्या हो गया वेट इस साइड इस साइड क्या हो गया वेट ऑफ क्वाइल प्लस मैग्नेटिक फोर्स उधर क्या हो जाएगा पॉइंट फाइव जी साथ में एक एडिशनल वेट तो ये तो दोनों बेटा पहले से बैलेंस कर रहे थे जो एडिशनल मैग्नेटिक फोर्स आएगी उसे ये वेट बैलेंस करेगा मैं आपको फिर से याद दिला दूं बेटा अगर आपने क्वेश्चन नंबर एट का सोल्यूशन नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें वहां हमने एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी बात की है ओके यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगी आई एल बी साइन नाइनटी क्योंकि जो ये लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों में एंगल 90 है ये वेट हमें फाइंड करना है करंट कितना है बच्चों 9.8 एंपियर लेंथ कितनी है बेटा 1.5 सेंटीमीटर कहां लिखा हुआ है देखिए ये रही लेंथ ये रहा करंट मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.4 टेस्ला ये रहा मैग्नेटिक फील्ड साइन 90 1 होता है मास हमें फाइंड करना था यहां पर देखिए आपको 9.8 दिख रहा है तो g की वैल्यू हम यहां पर क्या पुट कर लेंगे 9.8 10 क्योंकि 10 दी भी नहीं है और 9.8 कट भी रहा है तो क्यों भाई टेंशन लेने का है फटाफट से इसे काट देंगे तो अगर हम देखें तो मास ये क्या इन टू पॉइंट फोर ये 0.6 बन गया बेटा इंटू टेन डेज टू पर माइनस टू के क्योंकि हमने सभी ऐसे यूनिट यूज की हैं तो ये किस में आएगा बेटा के में आएगा तो हमें किस में चाहिए था ग्राम में तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा ये हो गया सिक्स इंटू टेन डेज टू पर माइनस थ्री के जी जिसे आप क्या लिख सकते हैं सिक्स ग्राम तो क्या आंसर आएगा बच्चों सिक्स ग्राम आंसर हमारे पास आएगा उम्मीद है आपको इस वीडियो के सॉरी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा बट फिर भी अगर कोई और डाउट हो कुछ आप पूछना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया होगा बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स कौन सी इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा क्या कह रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ये गलत है ये हमारे पास क्या है गलत है मैग्नेटिक फोर्स हमेशा ओबे नहीं करती है मूविंग चार्ज जब हमारे पास होते हैं तब ये जो है कंजर्व नहीं कर पाती मोमेंटम की वजह से मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ कभी कुछ केसेस में करती भी है कुछ केसेस में नहीं भी करती तो इसको एक बार हम छोड़ लेते हैं वेरी हाई करंट मैग्नेटिक फोर्स ओबे ये कोई लॉजिक नहीं है इनसाइड लो मैग्नेटिक फील्ड ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ये भी कोई लॉजिक नहीं है तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सेकेंड ही आना चाहिए बेटा okay? ओके इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा सेकेंड ही आएगा डू नॉट ओबे न्यूटन लॉ बहुत जगह पर ये हमारे पास क्या करता है डिसएग्री करता है कुछ कुछ जगह पर कर भी जाता ओबे बट ज्यादातर जगह पर जहां पर मूविंग चार्जेस का केस आ जाता है वहां पर ये डिसओबे करते थे सिक्सटीन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद दिस वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डबल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट द रेडियस अब देखिए यहां पर भी क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है इसने ये नहीं इस कहा अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यह लिखना चाहिए था बेटा बट चलिए कोई बात नहीं मान लेते हैं ऐसा है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब मूविंग चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर लगता है तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमता जब हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर लगता है तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है जो मैग्नेटिक फोर्स होती है दिस प्रोवाइड द सेंट्रीबिटल फोर्स फॉर मोशन तो यहां से आर किसके बराबर आता है एम वी बाय क्यू बी ओके अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हमने क्या कर दिया बेटा वेलोसिटी को डबल कर दिया वेलोसिटी यहां पर क्या आना था वी डैश क्यू बी डैश तो मैंने वेलोसिटी को क्या कर दिया बेटा डबल एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर दिया हाफ तो ये क्या आ जाएगा बेटा फोर टाइम्स एम वी क्यू बी यानी कि फोर आर तो जो रेडियस है वो कितने टाइम्स हो जाएगा बच्चों फोर टाइम्स हो जाएगा क्लियर है समझ में आया बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या कह रहा है हमें एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी बेटा क्या होता है टेस्ला क्योंकि फ्लक्स क्या होता है वेबर क्या होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर तो टेस्ला को क्या लिख दिया जाता है फ्लक्स पर मीटर स्क्वायर यानी कि फ्लक्स डेंसिटी ओके तो इसको फ्लक्स डेंसिटी कह देते हैं बट यूनिट से आप पता कर सकते हैं इट इज मैग्नेटिक मैगनेटिक रेडियस ऑफ पाथ क्या होगा जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिराइव किया दिस इज एम वी बाई क्यू बी और चार्ज पार्टिकल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर स्क्वाच इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर बाय एम तो मोमेंटम क्या हो जाता है टू टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी तो अगर आप देखें तो ये क्या बन जाएगा टू टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय क्यू बी अब अगर हम यहां पर देखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या है टू मास काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है क्या उसे हमें जूल में कन्वर्ट करना चाहिए क्योंकि बाकी सभी जो यूनिट्स हैं वो किसमें हैं बेटा एसआई यूनिट है तो यहां पर क्या आएगा एटीन हंड्रेड इंटू इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा जूल में तो ये क्या आ गया इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर भी क्या था चार्ज था अगर मैं उसको रूट के अंदर ले जाऊं तो वो जाऊर e हो जाएगा चलिए तो इसको ऐसा करते हैं नहीं लेकर जाते हैं, ऐसा रख लेते हैं ई इंटू बी हमने वैल्यू पुट कर दी बेटा चार्ज क्या है ई e. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये ऊपर क्या है रूट ई e. और नीचे क्या है ई e. अगर आप इसे काट दें तो नीचे रूट ई बच जाएगा बेटा समझे रूट ई डिवाइड बाई किसके बराबर होगा वन रूट ई इसमें तो कोई डाउट नहीं टू तो, तो अब ये क्या बच गया हमारे पास इन दोनों को काट देंगे तो रूट ई बच गया तो वन बाय बी रूट से बाहर है बाकी सब रूट के अंदर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों दिया गया है माइनस थर्टी वन यहां पर क्या है 1800 हंड्रेड यहां पर क्या है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू माइनस नाइनटीन अब देखिए फिर से हमें यहां अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हैं कैलकुलेशन जो है वो बहुत पास जाने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना था उसको भी रख लेते हैं जीरो पॉइंट फोर तो जीरो पॉइंट फोर को फाइव बाय सॉरी यहां पर अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो टेन बन जाएगा तो ये फाइव बाय टू लिख सकते हैं इसको यहां पर सॉल्व करते हैं बेटा टू यहां नाइन पॉइंट वन यहां अगर मैं इसको नाइन पॉइंट वन का डेसिमल हटा देता हूं तो नाइनटी वन हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा नाइनटी वन यहां पर मैं इसको एटीन रख लेता हूं तो ऊपर क्या बच जाएगा उनतीस और ये माइनस उन्नीस प्लस हो जाएगा यहां पर तो क्या बचेगा टेन की पावर टेन समझ में आया माइनस इकतीस इंटू दस की पावर दो और ये उन्नीस ऊपर आ जाएगा तो क्या बचेगा ये टेन डिवाइड बाय सिक्सटीन क्या आपको चीजें दिख रही हैं क्लियर अब अगर हम देखें तो रूट से कुछ बाहर ले आते हैं सिक्सटीन का फोर बाहर आ जाएगा चलिए अच्छी बात है एटीन इंटू टू का थर्टी सिक्स सिक्स बाहर आ जाएगा टेन रेस टू पार टेन का फाइव बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच गया अकेला बेचारा 91 छोड़ दिया भाई गलत बात है ये, है ये ना? चलो कोई बात नहीं वो घबराएगा नहीं बड़ी वैल्यू है एट है, रूट नाइनटी वन को अब आपको अप्रोक्सीमेशन करनी थी और यहां टेन टू पार माइनस में था ये टेन यहां देखिए माइनस में था गलती हो ऑप्शन को देख लेना माइनस टेन माइनस फोर है माइनस फोर है माइनस थ्री है माइनस थ्री है, है और टू पॉइंट फाइव एट थ्री पॉइंट फाइव एट यानी कि हमें बहुत पास कैलकुलेशन लेके जानी पड़ेगी बहुत पास पास है चलिए कोई बात नहीं करते हैं। इंटू नाइन का स्क्वायर एट्टी वन नाइन का स्क्वायर क्या है एट्टी वन टेन का स्क्वायर क्या है बच्चों हंड्रेड और ये नाइनटी वन बिल्कुल बीच में है अप्रोक्सीमेटली तो मैं इसको क्या करता हूं नाइन पॉइंट फाइव ही मान लेता हूं वैसे तो आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं बट मैं क्या करता हूं जैसे आपको पता है अप्र में डील करता हूं तो मैंने 9.5 मान लिया अगर मैंने इसको 9.5 माना मैं इसको कट कर दूंगा यहां पर ये 12 1.2 आ गया क्यों 96 पे क्या होता है 12 इंटू एट नाइनटी 1.2 टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ रहा है तो अगर मैं इसको गौर से देखूं ये इससे थोड़ा सा छोटा मान लिया थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन पर माइनस फोर से हल्का सा छोटा होना चाहिए और अगर मेरा साथ देंगे तो माइनस फोर की पावर यहां दिखी 3.6 से थोड़ा सा छोटा क्या है 3.58 और यह आंसर हमारे पास हम मैच कर जाएगा समझे तो जब भी हमें यह करना है तो आपको यह अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना पड़ेगा बेटा तभी आप अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे क्वेश्चन नंबर एटीन क्या कह रहा है टू अल्फा पार्टिकल्स टू अल्फा हैव द रेशो ऑफर पार्टिकल की एंट्रिंग सर्कुलर पाथ द रेश रेडिया यहां पर भी इस नहीं इसने लिखा एंट्रिंग द फील्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड डायरेक्शन फील्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा तभी सर्कुलर पाथ जाएगा तो बाय डिफॉल्ट आपको कंसिडर करना है ओके okay? तो एटीन दोनों पार्टिकल अल्फा हैं, तो मास सेम है चार्ज सेम है फील्ड सेम है तो जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है जब मास सेम हो चार्ज सेम हो, फील्ड सेम हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो रेडियस की रेशो क्या होगी जो वेलोसिटीज की रेशो है तो कितना आएगा बेटा थ्री रेशो टू ही आ जाएगा सिंपली ओके क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या कह रहा है यहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंटर यूनिफॉर्म मगनेटिक फील्ड विद यूनिफॉर्मोस ट्रेजेक्ट्री अब देखिये जो मैं पिछले दो क्वेश्चन में कहता आ रहा हूं वो यहां पूछ लिया इसने क्योंकि तो बच्चे गलती कर सकते हैं यहां पर देखिये इसने ये नहीं कहा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है स्ट्रेट लाइन सर्कल हेलिक्स कौन सा हो सकता है अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो मग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एंटर कर जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी जीरो क्योंकि फोर्स होती है वी क्रॉस बी अगर ये हमारे पास पैरेलली एंटर कर जाए तो फोर्स जीरो फोर्स जीरो तो इट कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन तो स्टेट लाइन में मूव कर सकता है स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है सर्कल सर्कल में कब करेगा अगर वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो ये किस में मूव करेगा बेटा सर्कल में तो सर्कल में भी मूव कर सकता है हेलिकल पाथ अगर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे आ जाए तब ये कौन से पाथ में जाता है हेलिकल पाथ तो इसमें भी जा सकता है क्योंकि इसने डिफाइन ही नहीं किया इसने कहा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंट्रा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किस एंगल पे जीरो पे नाइनटी पे या नॉन जीरो एंगल पे तब हमारे पास इनमें से कोई भी पाथ हो सकता है समझे फिर कहते हैं टू नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बेटा चार पांच क्वेश्चन बचे हैं उम्मीद है सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको समझ में आए होंगे और आपने वीडियो को लाइक भी जरूर किया होगा टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल चार्जेस आफ्टर बीइंग एक्सलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस देखिए इसी का इंतजार था क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है रेडियस का एम वी क्यू बी फिर आपने इसको कन्वर्ट किया टू एम कानेटिक एनर्जी डिवाइड बाय क्यू बी अब कानेटिक एनर्जी अगर कोई चार्ज पार्टिकल इफ अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सलेटेड इज एक्सलेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी तो उसकी कानेटिक एनर्जी क्या होती है चार्ज इनटू टू एक्सलेटिंग पोटेंशियल तो अब यहां पर क्या आने वाला है बेटा यहां पर आने वाला था टू एम क्यू वी कैपिटल वी है बेटा क्यू बी क्योंकि एक्सेलेटिंग पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से और ये क्या था स्मॉल एक्सेलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल टू चार्ज पार्टिकल ऑफ इक्वल चार्ज इक्वल चार्ज है आफ्टर बीइंग एक्सेलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल एंट्री इन ए यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स का मतलब क्या है

एम वन बाय एम टू किसके बराबर हो जाएगा रेडियस के स्क्वायर रेडियस की रेशो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा बेटा बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मोमेंटम मोमेंटम दे दिया बेटा एम वी ओके एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड दे दिया फील्ड वेक्टर मेक्स एन एंगल थर्टी डिग्री कितने एंगल पे एंटर कर रहा है बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है और जो चार्ज पार्टिकल है वो थर्टी डिग्री पे एंटर कर रहा है विद द इनिशियल, द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ तो हमने अभी अभी पीछे बात की ये किस में जाएगा हेलिकल पाथ में जाएगा के दो पार्ट होते हैं एक होता है सर्कुलर और एक होता है लीनियर तो जो सर्कुलर है लीनियर जो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट होता है बेटा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड ये यूनिफॉर्म रहता है सेम इसकी वजह से ये आगे जाता है बट एक कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है v साइन 30 इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल सर्कल में घूमता है और यही जो कंपोनेंट है इट इज रिस्पांसिबल फॉर रेडियस तो रेडियस किसकी वजह से होगा एम वी परपेंडिकुलर qb द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से ये रेडियस होता है तो क्या होगा बच्चों यहां पर एम वी साइन थर्टी डिवाइड बाय क्यू बी तो यहां पर अब मेरा साथ देंगे मास कितना मोमेंटम एम वी की वैल्यू दी गई है टू पॉइंट फोर इंटू माइनस ट्वेंटी थ्री साइन थर्टी था 0.15 अगर आप मेरा साथ दें तो मैं यहां से डेसिमल से डेसिमल हटा दूंगा यहां पर टू से इसको कट कर दूंगा ट्वेल्व इस पावर को एडजस्ट करेंगे तो माइनस फोर डिवाइड बाय सिक्सटीन इंटू जीरो पॉइंट वन फाइव इसको मैं फिफ्टीन लिख लेता हूं और जो पावर आएगी वो आ गई माइनस टू मेरा साथ दीजिए बेटा यहां पर अगर आप देखें तो ये थ्री फोर पे गया था ये तो ये फोर ये फाइव तो कितना बच गया वन बाय ट्वेंटी इंटू टेन डेज टू पर माइनस टू यही बच रहा है बेटा अगर आप इसको देखेंगे तो ये बचेगा हंड्रेड ले जाते हैं टेन डेज टू पर माइनस फोर तो ये आ गया जीरो पॉइंट फाइव एम एम ये मीटर में था ऑप्शन किस में थी बेटा mm में तो हमने आंसर क्या मार्क कर लिया जीरो उम्मीद mm. है बेटा? आपको ये समझ में आया होगा ओके चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू किस तरीके से सॉल्व करना है वो हमें यहां पर ध्यान देना है तो मैं थोड़ी सी स्पेस बनाने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा यहां पर कर देता हूं और साइड पे रख देते हैं इसको ओके okay? 22 क्या कहता है अ चार्ज पार्टिकल विद चार्ज क्यू एंटर्स अ रीजन ऑफ कांस्टेंट यूनिफॉर्म म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फील्ड ई एंड बी यानी कि ई e और बी आपस में परपेंडिकुलर है अ वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दोनों के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी एंड कम्स आउट विदाउट एनी चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी सेम रही इसका मतलब क्या है जो फोर्स है वो क्या होगी जीरो कौन सी फोर्स नेट फोर्स जीरो होगी लॉरेंस फोर्स जीरो होगी वो क्या थी क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखा था ना बेटा मग्नेट इलेक्ट्रिक फोर्स और इन टू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स तो यहां से हमें क्या पता चलता है E is equal to minus v cross B. ये हमारे पास एक रिजल्ट पर डेवलप हो जाता है ओके बट ऐसी तो कोई ऑप्शन नहीं है वेक्टर फॉर्म में हमें चाहिए था यहां पर V है और यहां B क्रॉस ही है बट यहां हमारे पास E है ये V क्रॉस B तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमारे पास एक चैलेंज बनता है बेटा ऐसा ही एक चैलेंज हमने क्वेश्चन नंबर एट में देखा था जिसका रिजल्ट तो आपको याद था बट वहां हमने एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी बात करी है जो जो लास्ट कल की डेट में ट्वेंटी सेवेंथ जेन में जेई मेन में भी उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का है बट मैग्नेटिज्म और पांच चैप्टर में वो यूज होता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर एट का सोल्यूशन और शॉर्ट ट्रिक जरूर देखें बेटा ओके चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड है पहला मेथड आप वेक्टर लगाए वेक्टर क्या है आपके पास एक प्रोडक्ट रूल होता है मेथड वेक्टर में वो आप यहां पर लगा सकते हैं। क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये या तो ई क्रॉस बी की फॉर्म में है या फिर बी क्रॉस ई की फॉर्म में तो चाहे तो आप इसको b से मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे e से दूसरी बात मैं ये आपको कह सकता हूं कि जो v है मैग्नीट्यूड में क्योंकि ये क्या आएगा e बाई बी आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है तो मैग्नीट्यूड में ये क्या ई बाई बी आना चाहिए था तो नीचे b ज्यादा होना चाहिए तो e स्क्वायर वाली दो ऑप्शन तो हमारे पास सीधी सीधी ही कट गई थी नीचे e स्क्वायर की दो ऑप्शन तो सीधी सीधी कट गई थी अब आपको इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है ओके ये बात समझ में आई क्योंकि ऊपर क्या बनेगा ई e, बी नीचे क्या है ई e स्क्वायर तो क्या बन गया बी बाई बट हमारे पास क्या होता है ई e बाय होती है क्योंकि ये क्या थे परपेंडिकुलर तो ये दोनों तो कट गए बेटा नीचे क्या चाहिए था बी स्क्वायर ये बात क्लियर है अब मैं क्या करता हूं इसको यूज करता हूं वेक्टर प्रोडक्ट को क्या कैसे यूज करेंगे हम इसको बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बी से तो ये आ गया बी क्रॉस माइनस बी क्रॉस बी इस माइनस को रख लिया आगे तो ये क्या बन गया बी क्रॉस वी क्रॉस बी ये बना और ऐसा ही कुछ ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो क्या होगा माइनस तो हमने ऐसे ही रखी आगे पहले क्या होता है फर्स्ट और थर्ड टर्म का डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट एंड थर्ड बी डॉट बी और दूसरी टर्म ऐसी रह जाती है वी फिर क्या आता है माइनस फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का डॉट प्रोडक्ट बी डॉट बी और थर्ड टर्म क्या रह जाएगी ऐसे ही क्या ये समझ में आया बेटा या तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए फिर आप इसे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं ओके अब बी डॉट बी क्या है बी स्क्वायर और यहां क्या है वी और यहां बी डॉट बी क्या है जीरो जीरो क्यों है क्योंकि हमें यह पता है जो V और B है ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर का B डॉट V क्या होता है जीरो क्यों क्यों बेटा क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है बी वी कॉस नाइनटी और कॉस नाइनटी क्या हो जाएगा जीरो ये दोनों परपेंडिकुलर है ना तो थीटा क्या है नाइनटी तो कॉस 90 क्या है जीरो ये समझ में आई बात तो ये क्या बच गया बेटा हमारे पास बी क्रॉस ई क्या बच रहा है ध्यान से देखिए इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वी वेक्टर तो v वेक्टर क्या बच गया बेटा हमारे पास b क्रॉस e डिवाइड बाय बी स्क्तर विद नेगेटिव साइन विद नेगेटिव साइन तो नेगेटिव को एडजस्ट कर दीजिए तो क्या बचेगा e क्रॉस b डिवाइड बाय बी स्क्वायर यह आपको पता है ना प्रॉपर्टी वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या थी a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस हमने उसी को यूज किया तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास ई क्रॉस बी बाय बी स्क्वायर दिस इज बी ऑप्शन एक तो ये मेथड है ओके okay? दूसरा मेथड क्या है दूसरा मेथड है मेथड टू मेरे पास यहां पर क्या था इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी ओके आप इनमें से किसी दो को लेट कर लीजिए मैंने लेट कर लिया लेट v वेक्टर इज i कैप और b वेक्टर इज j कैप लेट कर लिया तो देन e वेक्टर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस i क्रॉस j क्या होता है ए तो ये क्या हो गया माइनस के अब हमें ये तो पता ही था कि दो ऑप्शन है दोनों में सेटिस्फाई करा के देख लो अगर मैं बी ऑप्शन में सेटिस्फाई कराऊं तो वी क्या था ई क्रॉस बी आ रहा है मैग्नीट्यूड छोड़ देते हैं हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है कि ई बाय बी आएगी डायरेक्शन चाहिए कि ई क्रॉस बी है जब बी क्रॉस ई है तो ई e क्या है माइनस के ये चेक कर रहे हैं हम और बी क्या था जे तो के क्रॉस जे क्या होता है आई जे के जब जे क्रॉस के होता है तो पॉजिटिव के क्रॉस जे होगा तो माइनस तो आगे था ना यहां माइनस तो मैंने आगे लगा दिया ओहो ऐसे था ठीक है माइनस आगे लगा दिया तो के क्रॉस जे के क्रॉस जे क्या होता है माइनस आई तो माइनस माइनस प्लस आई क्या ये मैच कर गया बेटा हमने किधर माना था आई तो ये क्या कर गया मैच तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन हो जाएगी बट सर ये तो हमें पता ही था सेकंड आंसर है इसलिए आपने सेकंड में पुट कर लिया कोई बात नहीं बेटा सी चेक कर लेते हैं सी क्या है वी कैप क्रॉस बी क्रॉसी क्या थी वो बी क्रॉसी हमें डायरेक्शन देखनी थी तो बी क्या है जे तो ई क्या है माइनस के माइनस आगे रख लिया तो जे क्रॉस के जे क्रॉस के क्या होता है बच्चों क्या होता है पॉजिटिव आई क्या होता है पॉजिटिव तो माइनस 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 बट हमारा बी किधर था प्लस ये क्या आया माइनस तो ये गलत हो गया तो सी क्या हो जाएगा रॉन्ग तो आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं अगर आपको ए, नीट स्टूडेंट को तो ये फॉर्मूला याद नहीं होगा बट जो जेई स्टूडेंट होते हैं उनको ये फॉर्मूला याद होगा तो वो ये ऐसे लगा सकते हैं नीड स्टूडेंट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वो इस पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग अज्यूमिंग टू डायरेक्शंस फिर आप उसको ऑप्शन में सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं ओके okay? तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा बेटा और आपने वीडियो को भी लाइक किया होगा और चैनल भी आपने जरूर सब्सक्राइब किया होगा ओके okay? आगे बढ़ते हैं बेटा नंबर ट्वेंटी थ्री चार्ज पार्टिकल वुड कंटिन्यू टू मूव विद अ वेलोसिटी इन अ रीजन वेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट करेक्ट कैसे जाना है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब है फोर्स जीरो कौन सी वेक्टर जीरो फोर्स नहीं लगनी चाहिए तो किस में पॉसिबल हो सकता है नॉट करेक्ट पूछा है कौन सा पॉसिबल नहीं है पहले केस में अगर ई e जीरो हो बी नॉन जीरो अगर ई e जीरो है और हमारे पास बी नॉन जीरो है क्या कोई केस होता है यस yes. इफ तो फोर्स क्या होगी बेटा जीरो तो पहला केस पॉसिबल है दूसरा ये पॉसिबल केस हो गया बेटा दूसरा केस अगर ई e जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है भाई पिछला केस यही तो देखा अगर ऐसा है तो जो v है वो e और b के परपेंडिकुलर हो जाए तो जो हमारे पास e है v क्रॉस b के बराबर हो तब हमारे पास कांस्टेंट रह सकती है तो ये भी पॉसिबल है तीसरा केस अगर e नॉन जीरो है और b जीरो है तब ऐसा कोई भी केस नहीं है अगर e नॉन जीरो है तो हमारे पास फोर्स क्या होती है क्यू तो ये हमेशा क्या होगी नॉन जीरो अगर फोर्स नॉन जीरो है तो वी कभी भी जीरो सॉरी कांस्टेंट नहीं रह सकती ओके okay? फिर क्या है डी ऑप्शन अगर दोनों ही जीरो हैं, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है कोई फोर्स ही नहीं लगेगी तो नॉट पॉसिबल कौन सा केस है अगर ई नॉन जीरो हो और बी जीरो हो तो ऐसा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती यहां पर देखिए मैंने गलत लिख दिया ये अगर फोर्स नॉन जीरो है तो वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो ही नहीं सकती तो नॉट पॉसिबल केस कौन सा है सी ओके बेटा ट्वेंटी फोर द साइक्लोट्रोन साइक्लोट्रोन अब सिलेबस में नहीं है सिलेबस में नहीं है बेटा बट फिर भी इसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है टू पाई जो हमारे पास टाइम पीरियड था टाइम पीरियड किसके बराबर था टू पाई एम पे डिपेंड नहीं करता तो फ्रीक्वेंसी क्या आती है क्यू बी बाई टू पाई एम ओके बट अभी ये सिलेबस में नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं बेटा ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव साइक्लोट्रोन ये अब सिलेबस में नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं तो इसके साथ हमारी वीडियो भी खत्म होती है बट मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा आपको इसकी चिंता नहीं करनी है तो मैं आपको बता दूं अगर आप वीडियो को बंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए लाइक like जरूर करना बेटा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए इस क्वेश्चन का अगर हम देखें तो कहते हैं चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए साइक्लोटोन विद वट इफेक्ट ऑन द रेडियस ऑफ पाथ इफ फ्रीक्वेंसी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बात करी जो टाइम पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है वेलोसिटी जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होती है तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट वेलोसिटी के ऊपर नहीं पड़ेगा तो इसने कहा है इफेक्ट ऑन रेडियस ऑफ पाथ और रेडियस पे भी नहीं डिपेंड करती जो फ्रीक्वेंसी है बेटा और जो रेडियस ऑफ पाथ है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी सिर्फ यह बताएगी कि कितने साइकिल में हमें इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो वो एम टू बाई एम क्यू बी पे डिपेंड करती है बट रेडियस किस पे डिपेंड करता है एम वी बाई क्यू बी तो वी पे डिपेंड करेगा मेजरली रेडियस अगर हम वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो रेडियस भी चेंज होता रहेगा वेलोसिटी बढ़ेगी रेडियस बढ़ता रहेगा तो इसलिए यहां पर क्या आना चाहिए था इट विल रिमेन अनचेंज्ड बट कई बार बच्चे एम बाई क्यू बी यहां पर देखकर फ्रीक्वेंसी को यहां पर ले लेते हैं तो उसको लगता है ऐसा होगा बट ऐसा नहीं होता जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी रेडियस बढ़ता जाएगा अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये जो रेशियो है ये क्या हो जाती है सेम रहती है तो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट हो जाती है। ओके तो इसके साथ हमारी इस वीडियो की डिस्कशन खत्म होती है बेटा उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे स्पेशली क्वेश्चन नंबर एट जरूर देखिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही है जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग रिमेंबर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब